सो मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर वाव ग्रामर पोजिशन की बुक से वीडियो। ये ग्रामर पोजिशन की जो बुक है ये मेरे पास है, मैं इसी में से आपको रीड करवाती हूँ, इसी में से सब चीज़ें पढ़ाती हूँ। तो लिख देते हैं वाव ग्रामर, और मैं कलर चॉक का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, मुझे कंपनी नहीं पता कौन सी है। बुक भी लिख देते हैं यहाँ पे, बुक का नेम है ये वाला और सब्जेक्ट है यहाँ पे ग्रामर। चैप्टर वन सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसमें हमने एक एक्सरसाइज अपनी डन हमने कंप्लीट कर ली थी, और मैं भी इसी बुक से यहाँ पे रीड करवाती हूँ, इसी बुक से आपको पढ़ाती हूँ, और आपको इस बुक से ही पढ़ना पड़ता है। हाँ बट अगर जिसके पास में बुक है वो पढ़ो, जिस पर नहीं है ना पढ़ो। टिक द करेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, उन सेंटेंसेस को टिक करो जो कि गिवन लो मतलब दिए गए हैं। आज क्रॉस चेक हो रही है, जिसने नहीं करी वो क्रॉस चेक कर ले। तो क्या लिखा है, करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस इज करेक्ट। सो फर्स्ट वाले पे क्या क्या दिया है, हमें दिया गया है डोंट नो व्हाट दे वांट, वॉट दे वॉन्ट टू डू। फर्स्ट सेंटेंस ये है, इसी का सेकेंड पार्ट इसका ही है, ठीक है। फर्स्ट वाले सेंटेंस का एक फर्स्ट पार्ट है, एक सेकेंड पार्ट आएगा। सेकेंड पार्ट है वी डोंट नो, वी डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू अस, मैं भी ब्लू चॉक का यूज किया है, मैंने वाइट वाइट लग रहा है देखने, मुझे पता है। ये अस मैं लिखना भूल गई थी, यहाँ पे डू सही बनाते हैं, मैं अस यहाँ पे लिखना भूल गई थी। नेक्स्ट इसका थर्ड वाला सेंटेंस है व्हाट दे वांट, व्हाट दे वन मिनट, नेक्स्ट वांट टू Do we don't know? इस अब इसमें हमें क्या करना है, टिक करना है सेंटेंसेस को, ओके। इसमें हमें क्या करना है, सेंटेंसेस टिक करना है, मैंने लाइट ऑन कर दिया। इसमें हमें सेंटेंसेस टिक करना है। फर्स्ट है ये है बुक ग्रामर पोजिशन की, वाओ ग्रामर पोजिशन की ग्रामर बुक है, और फर्स्ट चैप्टर है सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक्सरसाइज टू लिख देते हैं, एक्सरसाइज टू मैंने यहाँ पे वॉच कर दिया है कि एक्सरसाइज टू हमें यहाँ पे लिखी है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू अस, हमें नहीं पता कि हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए। वी डोंट नो, हमें नहीं पता व्हाट दे वांट टू डू कि हम क्या करना चाहते हैं। व्हाट दे वांट टू डू वी डोंट नो, हमें नहीं पता कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। इसमें से सेंटेंस सही कौन सा है हमारा, करेक्ट है इसमें से फर्स्ट वाला, तो हम इस पर टिक कर देंगे फर्स्ट वाले पे, ठीक है। फर्स्ट वाला इसमें से करेक्ट है,
नेक्स्ट आई इरेज इट, फर्स्ट वाला करेक्ट है सिम सेम। मीन्स सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। ओके, विदिशा इज अ पेस्ट्री शेफ। एक मिनट, ये मुझे पूरा रब कर देना चाहिए ऐसे, लेकिन कोई ऐसा फायदा नहीं है हमारे पास। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वो, वन सेकेंड, वी स्टार्ट। सो लेट्स इट, विदिशा इज अ पेस्ट्री शेफ। वन सेकेंड, एट दी इंस्टीट्यूट ऑफ एज द इंस्टीट्यूट ऑफ कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। ओके, नेक्स्ट आई वॉन्ट टू डू सेकेंड पार्ट। ओके, पेस्ट्री शेफ एट द इंस्टीट्यूट ऑफ कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, इज बीशा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आई, बिशा अ पेस्ट्री शेफ इज एट द इंस्टीट्यूट ऑफ कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी। एंड हॉस्पिटैलिटी इसमें फर्स्ट दिया है बिशा इज अ पेस्ट्री शेफ, बिशा एक पेस्ट्री शेफ है एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैटरिंग एंड हॉस्पिटैलिटी। क्या कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी ये सही है कि ये इंस्टीट्यूट है उसकी पेस्ट्री शेफ एट द, ये वाला सही है, पेस्ट्री शेफ एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैटरिंग हॉस्पिटैलिटी इज बिशा, क्योंकि जो पेस्ट्री शेफ है इंस्टीट्यूशन की कैटरिंग और हॉस्पिटैलिटी की वो बिशा है, इसलिए ये वाला हमारा करेक्ट है। ये मेरे फोन का चार्जर है। नेक्स्ट इरेज़र, नेक्स्ट सेकेंड वन इज करेक्ट। ओके, सेकेंड वन इज करेक्ट। मैंने सोचा कि मैं अभी एक सब्सक्राइबर का मेरे पास में कमेंट आया था कि दीदी हमें 5.7 चाहिए,
उस पर भी आप क्या प्लीज़ उसकी भी सॉल्विंग वीडियो बना दोगे? तो मैंने बोला हाँ मैं एक सॉल्विंग वीडियो बना दूँगी, बट अभी जो मेरा ग्रामर पोर्शन चल रहा है मैं उसको कंप्लीट करूँगी, उसके बाद में आपके लिए यहाँ पे सॉल्विंग वीडियो बना दूँगी। हे सब्सक्राइबर, ओके सब्सक्राइबर, मैं तुम्हारे लिए सॉल्विंग वीडियो बना दूँगी, बट आज नहीं मैं कल बनाऊँगी। सब्सक्राइबर, ओके सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर, तो कल तुम्हारे लिए मैं वो वीडियो क्रिएट कर दूँगी। थर्ड वन इज थ्रो आउट, थ्रो आउट द नाइट, थ्रो आउट द नाइट पीपल हर्ड